बर्ज़र्क ऑफ ग्रेटोनी के एपिसोड 10 की शुरुआत में हम लोग नॉर्दन को देखते हैं, जो कि रॉक्सी को बताता है कि हम लोगों ने उस फोर्ड के साथ कांटेक्ट खो दिया है, जिसे कालिया भेजा गया था रो मटेरियल्स कलेक्ट करने के लिए। और ऐसा क्यों हुआ है पता नहीं, तो रॉक्सी पूछती है कि वो लोग कहाँ पर गए थे, जिसमें वो बताता है ग्रेट रेविन में। यह सुनकर रॉक्सी अपने साथियों से कहती है कि अब हम लोग वहीं पर जाएंगे उन्हें रेस्क्यू करने के लिए। और अब अगले सीन में हम लोग जेड को देखते हैं, जो कि फेट से कहते हैं कि तुम्हारे लिए स्कैबर्ड बनाने के लिए मुझे मैजिक क्रिस्टल की जरूरत होगी और उन्हें पाना काफी मुश्किल है और उनकी शिपमेंट भी नहीं होती है, क्योंकि रॉयल आर्मी संभालती है सारे मैजिक क्रिस्टल की सप्लाई की, इसे डिटेल्स नहीं पता। ये सुनकर गिड कहते हैं ऐसी बातें तो चलो हम खुद चलकर वहाँ क्रिस्टल्स को लेकर आते हैं। तो फेट भी मान जाते हैं और वो जेड से कहते हैं कि हमें ये मैजिक क्रिस्टल कहाँ मिलेंगे, तो कहते हैं गालिया में। तो फेट कहते हैं ठीक है मैं उन्हें लेकर आता हूँ। ये सुनकर जेड कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें इसके लिए डिस्काउंट भी दूंगा। वो उसे एक मैप भी देता है जो कि उसके मास्टर यूज किया करते थे जब वो एक यंग सोल्जर थे मटेरियल्स को इकट्ठा करने के लिए। फेट अब देखता है कि उन पे जो निशान लगे होते हैं वो ग्रेट रेविन के पास हैं। और अब अगले सीन में वो इस एरिया में आ जाता है जहाँ पर वो देखता है कि काफी सारे ऑर्क होते हैं। वो अपनी शील्ड का यूज करके उनके सभी अटैक से बच जाता है, जिसके बाद उनके ऊपर शील्ड बैश से हमला करके उन्हें खत्म करता है। और वो शाम हो जाती है, हमें रॉक्सी की टीम को दिखाया जाता है, वहीं मीरिया के पास जो कंपास होता है वो काम नहीं कर रहा होता है। तो नॉर्दन उसे बताता है कि यहाँ कंपास काम नहीं करते हैं। तो मीरिया कहती है तो फिर हम लोग ग्रेट रेविन में जाएंगे कैसे। तो मुर्गन कहता है यूजुअली हम लोग मून और स्टार की पोजीशन से पता लगा सकते हैं एरिया, लेकिन क्लाउड्स की वजह से हम लोग ना ही स्टार देख पा रहे हैं और ना ही मून। ये सुनकर मीरिया काफी गुस्सा हो जाती है। तो रॉक्सी कहती है कहा जाता है कि गालिया का जनरल लेआउट और पॉपुलेशन की डेंसिटी से पता लगाया जा सकता है, जहाँ पर भी सबसे बड़ी ऑर्क की कॉलोनी होगी वही साउथ के पास होगी, तो अगर हम लोग उनका पीछा करेंगे तो हम लोग ग्रेट रेविन में पहुंच जाएंगे। रॉक्सी अब कहती है कि यहाँ पर सिर्फ ऑर्क से ज्यादा भी कई सारे मॉन्स्टर्स हैं, क्राउन बीस्ट भी आगे मिल सकते हैं, इसलिए हमें केयरफुल रहना होगा। और अब अगले सीन में लोग फेट को देखते हैं जो कि रेस्ट कर रहा होता है। तो गिड उसे कहता है कि तुम तो बिल्कुल एक प्रॉपर वॉरियर की तरह काम कर रहे हो, एक वॉरियर को प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए और बैटल की तैयारी करनी चाहिए। तो फेट कहता है हाँ ऐसा बोलकर वो सो जाता है, जिसके बाद अब वो एक सफेद सी जगह पर आ जाता है जहाँ पर उसे वही लड़की मिलती है जिसे उसने हराया था। वो फेट से कुछ कह रही होती है लेकिन शोर की वजह से फेट कुछ सुन नहीं पा रहा होता है, और तभी अचानक से नीचे का पानी लाल हो जाता है और वहाँ पर काफी सारे मरे हुए गोब्लिंस होते हैं। फेट ने जिन इंसानों को मारा था वो अब उसके पैर पकड़ लेते हैं और उसे नीचे खींचने लगते हैं। फेट काफी डर जाता है और अब वो सोकर उठता है और पता चलता है कि वो सपना देख रहा था। तो फेट को सामने की तरफ से अब मॉन्स्टर्स की प्रेजेंस फील होती है, तो वो अब नाइट विजन स्किल का यूज करता है और अब उसे सामने से चार सेरेमेंटर्स आते हुए दिखते हैं। फेट अब ग्रिड को बो में बदलकर उनके ऊपर पेट्रीफायर का हमला करता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकते हैं। ये देखकर ग्रिड कहते हैं कि कुछ तो अजीब है, यूजुअली चोट लगने के बाद सेरेमेंटर्स भाग जाते हैं। तो फेट कहते हैं लेकिन ये लोग भाग नहीं रहे हैं और ये मेरे ऊपर हमला करने आ रहे हैं, लगता है इन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है, चलो इनके पीछे चलते हैं। वहीं अगले सीन में हमें रॉक्सी की टीम को दिखाया जाता है, उनके ऊपर अब सेलेमेंडर्स हमला कर चुके हैं। रॉक्सी अब बाहर आती है, वो लोग देखते हैं कि उन्हें चारों तरफ से सेलेमेंडर्स घेर लेते हैं, वह फायर का हमला करने लगते हैं, वहीं पर इसकी वजह से नॉर्दन काफी घायल हो जाता है। इतने में एक सेलेमेंडर रॉक्सी के ऊपर हमला करने वाला था लेकिन मुगन उसे बचा लेता है। मुगन अब कहता है कि इनकी हिट तो काफी स्ट्रॉन्ग है। वहीं पर अमीरा अपनी फ्लेम सोर्ड का यूज करके उनके ऊपर हमला करती है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं होता बल्कि वो उसके ऊपर हमला करके उसे पीछे गिरा देते हैं। तो मुगन उसे कहते हैं कि क्या तुम बेवकूफ हो, तुम्हें क्या लगा कि तुम फायर से उन्हें हरा दोगी। तभी रॉक्सी उसे बचाने के लिए आती है, लेकिन तभी एक सेलेमेंडर उनके पास आ जाता है और उनके ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी वहाँ पर फेट आ जाता है कॉस बनके और वो सेलेमेंडर को हरा देता है। इसी तरीके से बाकी सेलेमेंडर्स भी वहाँ पर आने लगते हैं। तो फेट अब चार पैच का यूज करके एक एक सेलेमेंडर को खत्म करता है। ये देखकर मुगन कहता है कि कॉस की कॉमन स्किल तो काफी ज्यादा पावरफुल है। हम लोग अब देखते हैं कि फेट ने सभी सेलेमेंडर को खत्म कर दिया है। इस चीज के लिए रॉक्स अब उसका शुक्रिया करती है उनको बचाने के लिए। वहां पर मीरिया फेट का शुक्रिया नहीं करती है, वो कहती है मैंने तो मदद मांगी ही नहीं थी। तब मुगन फेट से कहते हैं कि हम लोग दोबारा मिल गए, मैं मुगन हूँ इस यूनिट का कैप्टन। वहीं रॉक्सी फेट को नॉर्दन से मिलाती है और कहती है कि ये बेबीलोन का असाइन किया हुआ होली नाइट है। नॉर्दन भी फेट का शुक्रिया करता है, तो फेट उनसे कहता है कि मुझे शुक्रिया मत करो, मुझे तो बस इस चीज की चिंता हो रही है कि सेलेमेंडर्स के ऊपर ये क्या है। तभी वो लोग देखते हैं कि सभी सेलेमेंडर्स के ऊपर ऐसे निशान हैं। ये देखकर सभी को लगता है कि कुछ ना कुछ तो अजीब है। तभी मुगन कहते हैं कि क्राउन बीस्ट एक साथ वर्क नहीं करते हैं। तो अमीरा कहती है लगता है कि वो सभी लोग लेडी रॉक्सी के पीछे थे। तो रॉक्सी कहती नहीं ये तो बस एक कोइंसिडेंट है। तो अब नॉर्दन कहता है कि पता नहीं गाली में क्या हो सकता है, स्पेशली इन दिनों, क्योंकि डिवाइन ड्रैगन ने अपने लेयर को छोड़ दिया है। जिसके बाद अब रॉक्सी की टीम फेट को अपने साथ ग्रेट रिवाइन में ले आती है, क्योंकि वो लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे थे। मीरा रॉक्सी से कहती है कि हमें जाना है, सप्लाई यूनिट को रेस्क्यू करना है, इसे जल्दी चलो। वो अब रॉक्सी को ले जाने लगती है, लेकिन तभी रॉक्सी अब फेट से हाथ मिलाने के लिए हाथ हाय करती है। वहीं फेट हाथ मिलाने से घबरा रहा होता है कि कहीं उसकी टेलीपैथी स्किल एक्टिवेट ना हो जाए। तभी मीरिया उसके हाथ को पकड़ लेती है। तो फेट को टेलीपैथी के जरिए उसकी बात समझ आती है। वो कह रही होती है कि मुझे लेडी रॉक्सी को प्रोटेक्ट करना था, लेकिन अजीब सा बंदा बीच में आ गया। जिसके बाद अब वो सभी लोग अलग होकर चले जाते हैं।
और अब अगले सीन में फेट अब आगे आता है और देखता है कि यहाँ की एयर तो प्यूरीफाई हो रखी है, शायद से किसी पुरानी बैटल का आफ्टर इफेक्ट है। वो अब आगे जाता है तो उसे पेट्रीफाइड मॉन्स्टर दिखते हैं, तो गिड कहते हैं कि ये पक्का इस यूनिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा। तभी फेट को एक पेट्रीफाइड पर्सन दिखता है जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके अब आगे बढ़ता है और याद करते हैं कि जेड ने उसे कहा था कि मैजिक क्रिस्टल ट्रांसपेरेंट होते हैं लेकिन वो हल्का सा पर्पल ग्लो करते हैं। फेट को ऐसी कोई चीज मिली नहीं होती है, वो अब आगे जाता है तो उसे सामने की तरफ फायरिस दिखती है जो कि आसमान की तरफ देख रही थी और वो वापस चली जाती है। तो फेट अब उसके पीछे पीछे जाने लगता है लेकिन आयरिस उसे आगे चली जाती है। तभी गेट फेट से कहता है पीछे मुड़कर देखो। फेट अब पीछे मुड़कर शॉक हो जाता है क्योंकि वहां पर एक कैमरा होता है लेकिन वो हिल रहा था, शायद से ये एक प्रोटोटाइप है और इसके अंदर कोई भी कोर नहीं है। गेट कहते हैं शायद से इसे एंशिएंट बैटल में बर्ड किया होगा और लैंडस्लाइड की वजह से बाहर दिख रहा है। फेट अब सामने देखता है जहाँ पर एक और लैंडस्लाइड का एरिया बना हुआ था, उसे देखकर गेट कहते हैं शायद से कुछ कैमरा जाग गए। तो फेट सोचते हैं कि क्या इन सब के पीछे एरिस का हाथ है। तभी उसे सामने की तरफ से लड़ने की आवाज आती है। फेट कहते हैं कि उसी डायरेक्शन में तो रॉक्सी लड़ रही थी, हमें उसकी मदद करनी होगी। अगले सीन में हम लोग काफी सारे कैमरा को देखते हैं जो कि रॉक्सी के ऊपर हमला करने वाली थी, लेकिन मीरिया बीच में आ जाती है और अब उसे भी चोट लग जाती है। वहीं पर मोगन भी मीरिया को बचाते समय घायल हो जाता है। वहीं पर नॉर्दन को भी चोट लग जाती है और अब वो कैमरा रॉक्सी के ऊपर भी हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी फेट वहां पर आकर उस कैमरा के ऊपर हमला करता है और अब एक एक करके वो सभी कैमरास को हमला करके खत्म करता है। वो पूछता है कि क्या तुम लोग ठीक हो, तो रॉक्सी कहती है कि मोगन इंजर्ड हो गया है और नॉर्दन भी। तभी हम लोग देखते हैं कि वो जो कैमरा होता है वो अपने आप को हील कर लेता है लेकिन तेजी से नहीं। फेट अब रॉक्सी से कहते हैं कि इस चीज को कैमरा कहते हैं और इनके कोर इनके वीकनेस है, इनके चेस्ट में तुम देख पा रहे हो कि मॉन्स्टर्स हैं, उस कोर को खत्म कर दोगे तो वो कैमरा रुक जाएंगे। ये सुनकर सभी लोग अब तैयार हो जाते हैं उस कैमरा से लड़ने के लिए। वह फायर का हमला करते हैं तो गिड कहते हैं कि वो लोग हमें रोक नहीं सकते हैं, लगता है उन्हें पता नहीं है कि हमारे पास फायर रेजिस्टेंस है। तभी लोग देखते हैं कि मेरा अपने कोर को कवर कर देता है तो फेट जल्दी से जाकर उसके पैर को काट देता है। इस मौके का फायदा उठाकर रॉक्सी उसके अंदर के मॉन्स्टर को मार देती है। ये देखकर फेट को पता चलता है कि एरोन ने रॉक्सी को कुछ सिखाया है, जिसके बाद अब एक कैमरा जब फायर छोड़ रहा होता है तो मीरिया उसे अपनी तलवार से रोक रही होती है और कहती है कि कोई मेरी मदद करो, मैं इसे ज्यादा देर तक हैंडल नहीं कर सकती हूँ। गिड कहता है कि मीरिया इतनी भी कमजोर नहीं है, वो अपनी तलवार का यूज कर रही है कैमरा की फ्लेम्स को रोकने के लिए। वो कैमरा अब रुक जाता है तो फेट अब मीरिया के पास जाता है और कहता है मैं इसे संभाल लूंगा। तो मीरिया उसे कहती है कि मैं चाहती तो नहीं हूँ कि तुम मुझे फिर से बचाओ, लेकिन शुक्रिया। ऐसा बोलकर वो मोगन के पास आती है। तभी रॉक्सी उसके पास आती है और कहती है कि मोगन और बाकी सभी लोगों को सेफ्टी पर लेकर जाओ, मैं और कॉस मिलकर बाकी कैमरास को संभाल लेंगे। तो वो लोग भी मान जाते हैं, जिसके बाद फेट और रॉक्सी एक साथ मिलकर लड़ने लगते हैं। फेट अब कहते हैं कि मैंने रेडियो रॉक्सी के साथ कभी लड़ाई नहीं करी है लेकिन काफी न्यूट्रल लग रहा है मुझे, जिसके बाद अब सिर्फ एक ही कैमरा बचता है। फेट अब रॉक्सी से कहते हैं कि क्या तुम और लड़ सकती हो, तो कहती हाँ। तभी अचानक से वो कैमरा एक काफी ऊंची छलांग लगाता है तो फेट कहते हैं जब ये नीचे आएगा तब हम लोग इसके ऊपर हमला करेंगे, लेकिन जैसे वो कैमरा अब नीचे आता है नीचे की जमीन अब टूट जाती है और नीचे जाकर गिरने लगते हैं। तभी फेट रॉक्सी को पकड़ लेता है और कहता है कि ऐसा लग नहीं रहा होगा लेकिन मैं शायद लैंडिंग से बचा सकता हूं तुम्हें। तो रॉक्सी कहती है ठीक है मैं तुम पर विश्वास कर रही हूं, जिसके बाद वो दोनों नीचे गिरते हैं। फेट को अब जैसे होश आता है वो देखता है कि वो तो काफी ऊपर से नीचे गिरा है, वहीं पर रॉक्सी उसके पैरों पर गिरी होती है और वो फेट को याद कर रही होती है। ये देखकर फेट डर जाता है क्योंकि उसने मास्क नहीं पहना था, वो अपने मास्क को ढूंढने लगता है। अब जैसी रॉक्सी उठकर उसे देखने वाली होती है वो जल्दी से अपने मास्क को ढूंढ के पहन लेता है। वो फेट के पैर से उड़ जाती है और फेट से माफी मांगती है। वो उठने की कोशिश करती है लेकिन पता चलता है कि उसके पैरों में दर्द है, लेकिन थोड़े रेस्ट के बाद वो ठीक हो जाएगी। तभी फेट फायरबॉल का यूज करके वहां पर थोड़ी रोशनी कर देता है। वो सोचने लगता है कि अगर जमीन नहीं टूटी होती तो हम लोग इस कैमरा को हराने वाले थे। रॉक्सी पूछते हैं कि कैमरा क्या होते हैं तो फेट उसे बताता है कि वो आर्टिफिशियल मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि गाली में आपसे 4000 पहले बनाए गए थे। वैसे तुम लोग कैसे कर रहे हो, क्या तुम्हें वो सप्लाई यूनिट मिली जिसे तुम रेस्क्यू करने गए थे? तो रॉक्सी कहती है कि हम लोग फास्ट नहीं पहुंच पाए, जब तक हम लोग वहां पर पहुंचे फोर्स और सब कुछ जल गया था। वो अब कॉप्स यानी फेट से कहती है कि वैसे तुम्हें कैमरा के बारे में किसने बताया? तो फेट कहते हैं कि गाले के सर्वाइवर ने मुझे बताया। तो रॉक्सी कहती है कि क्या वो कोई यंग लड़की थी जिसके पास एक जाइंट एक्स थी? मैंने पहले उसे अपनी टेरिटरी में भी देखा था और रूमर्स फैल रहे हैं कि उसने अपने एक लोकल लॉर्ड को अपने एक्स से उड़ा दिया। उस लड़की के साथ एक यंग मैन भी है जिसने स्कल मास्क पहन रखा है, तो कहीं वो तुम तो नहीं हो? तो फेट अब उसे बताना तो नहीं चाहता था लेकिन अब वो उसे कहता हाँ वो मैं ही था, मैं ही उसके साथ था। ये सुनकर रॉक्सी हंसती है और कहती है मुझे लगा ही था। फेट अब उसे कहने लगते है कि तुम आप काफी खुश लग रही हो, मुझे इस तरीके से मत घूरो। तो रॉक्सी उसे कहती है माफ करना लेकिन तुम मुझे एक पर्सन की याद दिलाते हो, वो पर्सन अभी कैपिटल में होगा लेकिन ऐसे लग रहा है कि वो मेरे साथ यहीं पर है। काफी अजीब बात है ना, अभी हम लोग अपने आप से अलग हैं तो मुझे लग रहा है कि जो चीज मैंने उसके लिए करी वो सही है या नहीं। क्या फेट सही में खुश है? तो अब फेट उसे कहते हैं हाँ वो जरूर खुश होगा, अगर तुम्हारे जैसे कोई उसकी चिंता करने वाला होगा तो वो जरूर खुश होगा। तो रॉक्सी कहती है कि मैं भी यही होप करती हूँ कि ऐसा ही हो। फेट अब सोचने लगता है कि लेडी रॉक्सी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। तभी अचानक से फेट की आंखें अब लाल हो जाती है, उसे देखकर फेट कहता है कि अभी नहीं होना चाहिए था। रॉक्सी अब उसे देखने लगती है और कहती है कि तुम्हारी आंखों को ये क्या हुआ? तो फेट अपनी आंखें को छुपाकर भाग जाता है और कहता है मुझे मत देखो। भागता भागता अब एक केव के अंदर आने लगता है और कहता है कि मुझे एक स्मेल आ रही है, वो मॉन्स्टर आसपास ही है। तभी दीवार तोड़कर कैमरा वहां पर आ जाता है तो अब बर्ड जल्दी से गिड को साइड में बदलता है।
और अब उसके अटैक को डोज करता हुआ कोर को खत्म करने वाला होता है। लेकिन तभी उसे लगता है कि वो रॉक्सी को मार रहा है। फेट अपने माइंड पर कंट्रोल करता है और अब वो जैसे तैसे करके कोर को मारने लगता है। वो अब कहने लगता है, रॉक्सी मेरी तरफ ऐसे मत देखो। जिसके हम लोग देखते हैं फेट उसकी मिरर को हरा देता है और देखता है कि उस मॉन्स्टर के सर पर भी वही निशान है। तो अब ग्रिड कहता है कि पहले निशान सेलेमेंडर के ऊपर था और अब किमेरा के ऊपर। अब तो सही में लगता है कि कोई रॉक्सी को मारना चाहता है। तो फेट अब याद करता है आयरिस की बात को कि उसने कहा था कि रॉक्सी गाली में मर जाएगी। फेट अमन में कहता है आयरिस तुम्हें पे करना पड़ेगा। तभी रॉक्सी वहां पर आ जाती है। तो फेट कहते हैं कि मैंने इसे हरा दिया है, अब सब कुछ ठीक है। तभी अब ऊपर से दीवार टूटने लगती है। तो फेट जल्दी से शील्ड निकालकर अपने आप को रॉक्सी को बचाता है। जिसके बाद अब उन लोगों के सामने काफी सारे मैजिक क्रिस्टल्स आ जाते हैं। तो फेट कहते हैं कि ये तो फॉसिल मॉन्स्टर्स हैं। तो रॉक्सी उसे कहती है कि मैजिक क्रिस्टल ऐसे ही तो बनते हैं, तुम उन्हें ढूंढ रहे थे लेकिन तुम्हें पता ही नहीं था उनके बारे में। तभी ग्रिड फेट का मजाक उड़ाता है और कहते हैं तभी तो हमें ये क्रिस्टल मिल नहीं रहे थे। जिसके बाद अब वो केव से बाहर आते हैं जहाँ पर मीरिया आकर रॉक्सी को गले लगा लेती है। वहीं रॉक्सी भी सभी को देख कर कहती है कि मैं खुश हूँ कि सभी ठीक है। और अब एपिसोड के एंडिंग में हम लोग एक बंदे को चलता हुआ देखते हैं। उसने भी स्कल मास्क पहन रखा है और उसकी आंखें लाल कलर में चमक रही है। और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।